सागर, मुझे भी सिखाना गुगु बजाना। गुगु, गुगु सीखना कोई आसान काम नहीं है, जो कि तुम समझ रही हो। गुगु भी संगीत का एक हिस्सा है, और तुम्हें पता होगा कि संगीत में सात स्वर होते हैं। सारे गामा पता नहीं, आओ आज हम तुम्हें गुगु के सात स्वर सिखाते हैं। हम स से शुरू करते हैं। स का मतलब है समेटना, छूको और फूको। सागर, ये तो बज ही नहीं रहा है। सागर, ये तो अभी नहीं बज रहा है। ओ, बजा नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर हम रे से शुरू करते हैं। रे का मतलब है रपटना। आओ हम तुम्हें रपटेंगे। फूको, फूकती जाओ और फूको, फूकती जाओ। सागर, ये तो बज ही नहीं रहा है। सागर, ओ बजा नहीं, चलो ठीक है, अब हम ग पे चलते हैं। अच्छा, ग का मतलब है गले लगाना। तुम फूको, फूकती जाओ। सागर, गलत नहीं हो रहा तो फिर मुंह पे चले। बस बस, मुझे सब पता है कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। तुम्हारे सारे गाने मुझे सब सिखा दिया, और अब मापा धानी की कोई जरूरत नहीं। मगर हमें तो जरूरत है भैया। आपके प्रेम संगीत के सातों सुरों की जानकारी। मर गए। हाँ मैं। कौन है ये तानसेन की औलाद? भैया ये सागर है। जी भैया, मैं और कुसुम साथ में पढ़ते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कब से चल रही है ये कहानी? जी एक साल से। फिर शादी की बात क्यों नहीं की? जी वो कह के मुझे अपने बाबूजी से बहुत डर लगता है। वाह, अपनी शादी की बात अपने ही बापू से कहने में डर लगता है। अच्छा कौन है तुम्हारा बाप? जी श्री भूतनाथ। प्रभु मैं भूतनाथ वल्ल चंडालनाथ वल्ल अर्थीनाथ आपका पुजारी, आपका सेवक, पृथ्वी लोक की आत्माओं को यमलोक पहुंचाने वाला, डेड बॉडीज को आपकी सेवा में पहुंचाने वाला। बहुत बुरा टाइम चल रहा है मालिक। 3 दिन हो गए आपके सेवक को चने तक खाने नसीब नहीं हुए। 15 दिन हो गए किसी मुर्दे की सूरत तक नजर नहीं आई। और बुरा हुआ इन डॉक्टरों का, किसी को मरने ही नहीं देते। मरते हुए आदमी के मुंह में दवा डालते वो जिंदा हो जाता है। प्रभु 10-15 को टपको, नहीं तो मैं टपक जाऊंगा। मेरा काम कर दो, वरना भूतनाथ की अगर पूजा में फर्क आ जाए तो फिर मेरा नाम नहीं लेना। तेंजी तेंजी, यमराज आप पर प्रसन्न हो गए। कोई मर गया क्या? नहीं नहीं तेंजी। क्या? अबे यार क्या मुसीबत है, मेरे पास पैसा नहीं है, नौकर के पास हाइट नहीं है। उभर खड़ो क्या? जी तेंजी अपना लाला करोड़ी वाले ना अभी टपकने वाला है। अरे वाह, अरे वाह प्रभु, मुझे नहीं मालूम था कि इस कंप्यूटर के जमाने में आप कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट हो गए। कमाल है, मैंने जिंदगी में ऐसा हार्ट अटैक का पहला केस देखा है। सांस चल रही है, नब्ज बंद है। अरे बेटी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी आप कुछ भी कीजिए लेकिन पापा को बचा लीजिए प्लीज। घबरा मत बेटी, मैं इन्हें ऐसी जड़ी बूटी देता हूँ जिससे इनके बेजान शरीर में जान आ जाएगी। अच्छा बताओ, इतनी मुश्किल से मुर्दा हाथ में आया है, ये वैद्य उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। खबरदार जो मुर्दे को हाथ लगाया तो तुमको भगवान है जो मुर्दे को जिंदा करता हुए। नहीं नहीं अंकल, पापा पापा जिंदा है। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे जिंदा हो सकते हैं? कितनी प्रार्थना के बाद तो मरे हैं ये। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है अच्छे लोग दुनिया में ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं ना, तो बेचारे मर गए हैं। और ऐसे मुर्दे को ज्यादा देर तक बिस्तर पे नहीं लेटाना चाहिए, अजूब होता है। चलो मैं जमीन भी लेटाता हूँ। अरे माफ ले लूँ,
19। अरे अरे पापा तो हिल रहे हैं। सती हिल नहीं रहे, ये क्या है, एंट गए हैं। वो घर में रखे रखे एंट जाती है ना, तो मैं इनको डांग पर डांग रख के सीधा कर देता हूँ। आप बकवास कर रहे हो, देखते नहीं सांस चल रही है। अरे सांस नहीं चल रही है, पुरानी गैस अंदर अटकी है, मैं गला दबा के निकाल देता हूँ अभी। अरे आप अभी क्या कर रहे हैं? चुपचाप लेटे रहो, बात मत करो, तुम मरे हुए हो। अरे अंकल आप क्या कर रहे हैं, पापा जिंदा है। जब मैं बोला तो कैसे नहीं मरे हो, मरे हुए हो तुम। अरे 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 तेरा दिमाग खराब हो रहा है, कैसे छटपटा रहे लाला जी। अरे लाला नहीं, फड़फड़ा रहे हैं, उनकी आत्मा शरीर में से निकलने के लिए फड़फड़ा रही है। अरे 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 मारने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम पहले से मरे हो, मैं तुम्हारे गले का माप देकर तुम्हारा कफन सी रहा हूँ, तुम्हारा अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। लो, लो, कर लो बात, या मारो अंतिम संस्कार करना चाहो। अरे हथियार अभी मैं जिंदा हूँ। लाला जी मरा हुआ है। अरे लाला जी आपको जितने की मार देना चाहते हैं। अरे ये मरा हुआ है, ये जिंदा है। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं बोलता मरा हुआ है, जिंदा हूँ यार। तू मरा हुआ, मैं बोलता मरा हुआ तो समझता दादी चुप जल्दी आओ, जल्दी मरम्मत करो, खुद के लिए कपड़ बनाने की जरूरत पड़ जाए। ले जाओ, अरे वो मुर्दा उठा के चला भी उसका नाम लेके कमर देना। पिटवा दिया ना, मेरी हालत देख रहे हो, और अंदर कितनी चोट लगी है। अरे पिटवाने से पहले ये तो सोचना था, इस भरे संसार में एक अकेला मैं ही आपका पुजारी हूँ, वरना सब तो आपके नाम से ऐसे भागते जैसे लोग गुंडाराज से भागते। क्या आजकल मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। हम आ गए हैं बस, मैं बात नहीं करूँगा आपसे। क्या हुआ भूतनाथ? क्या हुआ क्या मतलब, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ गई है। आ गए हैं यम, मिट जाएगा गम, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बस बोल तुझे क्या चाहिए। बस एक मुर्दे का सवाल है। मुर्दे का? तथा अस्तु। बाबूजी देखते नहीं, मैं गुरुदेव से बात कर रहा हूँ, कफन का माप देना तो बाद में ना। चलो बाबूजी, मैं आपका बेटा सागर। तो क्या आइए, बोलिए बेटे लाल जी। बाबूजी अगर फ्री हो तो मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। किसी लड़की से टांगा फिट हो गया तुम्हारा? जी हाँ बाबूजी, लेकिन आपने कैसे जान लिया? तुम्हारी आंखों में साफ लिखा है, तुम बता दो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुसुम, नाम कुसुम है, वही अपने दीनाना साहब की बेटी जी। बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी हुई। अगर ये खूबियां नहीं भी बताते तो मैं शादी मंजूर कर लेता। सुनो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी कुसुम के साथ एक ही शर्त पे हो सकती है। शर्त? कैसी शर्त बाबूजी? वही पुरानी शर्त, मेरे धंधे में तुम मेरा हाथ बटाओ, कफन दफन का काम संभालो। मतलब आप चाहते हैं कि मैं मुर्दों का कफन सीना शुरू कर दूं, ताबूत को सजाकर उसमें लाश रखूं, लाश गाड़ी शमशान घाट ले जाकर चक्कर लगाऊं? इससे अच्छा धंधा तुम चिराग लेकर ढूंढने से सारी दुनिया में भी नहीं मिलेगा। धंधा ये, मैं किसी भी कीमत पर धंधा नहीं करूंगा, मैं मजबूर हूँ। अच्छा तो मैं भी मजबूर हूँ, तो अपनी जगह मजबूर, मैं अपनी जगह मजबूर, लेकिन कुसुम के माँ बाप सारी जिंदगी मजबूर नहीं रहेंगे, वो अपनी बेटी की शादी कहीं भी करवा देंगे, याद रखना। अरे वाह, लोग मरने के बाद कफन पहनने को तैयार हो जाते हैं, मगर जीते जी कफन बेचने को तैयार नहीं होते, मजबूर है। भूतनाथ जी, भूतनाथ जी कोई घर पे है? भूतनाथ जी डरा दिया ना? डरी चे शक, क्या शक है, ये तो पर्शियन है, तुम क्या ईरान से आओगे? नहीं, ये एक बार वहाँ की जेल में नहीं, मतलब वहाँ के खेल में हिस्सा लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जी। मेरे भी गाहकों में काफी नामचीन लोग हैं, मैं भी गाहक देख के पूरी बांधता हूँ। वो देखो
चलो कौन से मुर्दे का नाप लेना है? जी मैं एक जिंदा इंसान की बात करने आया। अरे मेरे यहाँ जिंदा इंसान का क्या काम, चलो एडवांस में उसका कफन सी देता हूँ। जी मैं सागर की बात करने आया हूँ। सागर की? जी धैर्य तेरे की, खोदा पहाड़ निकला चूहा। उसी चूहे ने एक चूहिया से प्यार कर लिया है। मुझे मालूम है, वो चूहिया का नाम कुसुम है। जी मुद्दा जी, मैं उसी कुसुम का मुंह बोला भाई शंकर हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी हो जाए। ओ मुंह बोला भाई, तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने? जी शंकर। देखो शंकर, दिल से तो ये रिश्ता मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुनो पहले हंसो मत। लेकिन मैंने अपने बेटे के सामने शर्त रखी थी, उसने वो शर्त आज तक पूरी नहीं की, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो जिद मत कीजिए भूतनाथ जी, जमाना बदल चुका है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा सागर आपके इस कफन के बिजनेस में हिस्सा ले। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन आजकल का बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा कारोबार करे, और आप उसे अपने पुराने बिजनेस में घसीटना चाहते हैं। वक्त के धारे में बहना सीखिए, तैरेंगे तो डूब जाएंगे। ऊपर से आपका बेटा अभी बालिग हो चुका है, आपकी बगैर मंजूरी के शादी कर ले तो आप कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं आप, तो फिर मैं अगर अपने बेटे को शर्त से आजाद कर दूं तो मानो मत यार, बड़ी जल्दी हंसने लग जाते हो। शर्त से आजाद तो कर दूं, मगर तुम उसको बोलना मत कि मैं फौरन मान गया, नहीं तो कल से बहुत अकड़ेगा, बोला मैं बहुत रूठ गया था, बहुत गुस्सा हो गया था, तुमने मुझे प्यार से मना लिया है ना। तो मुझे ये शादी मंजूर है, लेकिन अब मेरी एक शर्त तुमसे है। तो बताइए ना, बताइए। तुम मुझे हर महीने 100 कफन का ऑर्डर लाके दोगे? मैं जिससे कफन की बात करता हूँ वो गायब क्यों हो जाता है? शंकर बेटा, तूने कुसुम का और सागर का रिश्ता तय कर दिया? हाँ माँ। धन्य हो कृष्ण मुरारी, धन्य हो। चलिए इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा कर। माँ थोड़ा समय नंदी महाराज को देकर आता हूँ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। नंदी महाराज, कुसुम की शादी पक्की होने पर ये आपका हिस्सा लीजिए।